हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू और सूजी से हम स्नैक्स तैयार करेंगे। तो आइए आलू और सूजी के कटलेट्स बनाते हैं हम। आलू और सूजी के कटलेट्स बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी सूजी ली है और ये एक बाउल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें एक कटोरी सूजी डाल दूंगी और ये मैंने एक कप लस्सी ली है। आप चाहे दही ले सकते हैं और इसको मैं भिगो दूंगी। सूजी को हमें ज्यादा गीला नहीं करना है। ये हमारी एक कप लस्सी इसमें डल चुकी है एक कटोरी सूजी के अंदर। और अब मैं इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रख दूंगी। जब तक ये हमारी सूजी सेट होती है तब तक हम मसाले चेक कर लेते हैं। ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और ये मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया है और ये ओरिगैनो ली है मैंने, 1/2 चम्मच ओरिगैनो और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। और ये अदरक का एक टुकड़े को मैंने बारीक कट कर लिया है और ये 2 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है। तो आइए बनाते हैं। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है स्लो गैस पे। और ये हमारी सूजी भी फूल चुकी है और बिल्कुल ठीक से फूली है ये सूजी। हमें ज्यादा पतली नहीं चाहिए थी, इसी प्रकार की हमें गाढ़ी सूजी चाहिए थी। अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल दूंगी, साथ ही मैं ये अदरक, जीरा, ये लहसुन, हरी मिर्च और ये चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, ये सबको डाल के मैं एक मिक्स डो तैयार कर लूंगी इसका। और ये मैंने पास्ता सॉस ली है, ये पिज्जा सॉस भी है और पास्ता सॉस भी है। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच सॉस डाल दूंगी जिससे कि हमारे कटलेट्स का फ्लेवर बढ़िया आएगा। और इसे मिक्स कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेस्ट हमारा पतला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेड के क्रम्स और मैदा भी मिला सकते हैं। मैं इस डो को हाथ की मदद से मिक्स करूंगी और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और मैदा डालूंगी इसमें। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाल दिया है और 1 चम्मच के आसपास मैदे को बचा लिया है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा डो अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैंने एक पॉलिथीन लिया है और इसको मैंने बिछा लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी 1/2 चम्मच के आसपास और इसे हाथ से फैला लूंगी। अब जो ये मैंने डो तैयार किया है, ये डो को मैं इसके ऊपर फैला दूंगी और जो बचा हुआ मैदा है ये भी इसके ऊपर डाल दूंगी। और अब मैं इसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर बेलकर तैयार कर लूंगी। हम इसे ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसकी थोड़ी मोटी सेप ही रखेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे बेलना है।
ये हमारी रोटी बिनकर तैयार हो चुकी है। मैंने एक कटर लिया है, मैं दिल से सेब के कटलेट तैयार करूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूं। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और इसी प्रकार से मैं सारे कटलेट कट करके निकाल लूंगी। ये बिल्कुल आसानी से कट हो जाते हैं, ये देखो कितने आसानी से हुए हैं। अब मैं इनको भी निकाल के अलग कर लूंगी चाकू की मदद से। सारे सारे कटलेट्स निकाल के मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बचे हुए डो से भी हम कटलेट तैयार करेंगे। इससे मैं अलग से दूंगी कटलेट की। अब मैं ये फ्राई कर लूंगी, पहले आटे के कटलेट बनाऊंगी दोबारा। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं एक बार में ही सारे डाल दूंगी। ये अब मैं इनको हिलाऊंगी और ये देखो कितने अच्छे से सीख रहे हैं। जब तक ये हमारे फ्राई होते हैं, दूसरे कटलेट की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं गोल कटलेट बनाऊंगी। ये मैंने एक कटोरी में फिर से 2 चम्मच मैदा ले लिया है और इसे थोड़ा सा मैदे में डिप करूंगी। मैंने सूखा मैदा ही लगाऊंगी और इस प्रकार से सेक दे दूंगी कटलेट टाइप में। आप चाहे इसके ऊपर ब्रेड के क्रम्स भी लगा सकते हैं। इन्हें आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। और इसी प्रकार से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूंगी। और इधर हमारे ये सारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं और इधर ये हमारे कटलेट फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखो कितने बढ़िया से फ्राई हुए हैं। मैं एक पीस तोड़ के दिखाऊंगी आपको, देखो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। कर लूंगी इन्हें भी, मैं फ्राई होने देती हूँ। और ये भी हमारे कटलेट बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी।
और इन्हें भी निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। और ये हमारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखो दिल प्रकार के भी हैं और ये गोल आकार के भी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।